ইটোর পিছত হিটো রেকর্ড সৃষ্টি করে এবার ভারতের শ্যুটিংর টিমটে হংজোত অনুষ্ঠিত হওয়া এশিয়ান গেমসত বহুকটা পদক বুটলিবলে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় টিমটো থকা বহুকগী খেলুয়ে সোণর সোণ রূপর ব্রঞ্জর পদক কহিয়াই আনবলে সক্ষম হয়েছে, দেশলে গৌরব কহিয়াই আনছে। মূর সুত্রে উপস্থিত আছে অযোধ্য প্রতাপ সিং, তখেতে চারিটাকি বর্তমান মেডেল বর্তমান পর্যন্ত লাভ করেছে। তখেতর পটুকটাক জানি এই মুহূর্তে অনুভব কেনে, সবসে পেলে আপনার বহুত বহুত কংগ্রেচুলেশন, ক্যা বলনা চাহেঙ্গে ইস মৌকে পর? স্যার কাফি প্রাউড মোমেন্ট হে মেরে লিয়ে, মেরে দেশ কে লিয়ে, আর জেসে মেরা পহলা এশিয়ান গেমস থা, আর জিসমে মে দো ইভেন্টস মে মেনে পার্টিসিপেট করা থা, আর উসি মে মেনে দো ইন্ডিভিজুয়াল মেডেল আর দো টিম মেডেল কে সাথ, দো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কে সাথ ইহা পে আপনা কম্পিটিশন খতম কিয়া হে। আর काफ़ी काफ़ी खुशी हो रही है सर कि हम धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे ये हम आगे बढ़ते जाएंगे और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आएंगे देश के लिए। इस बार देखा जा रहा है भारत का जो शूटिंग टीम है प्रदर्शन मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? सर पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है शूटिंग में, और इसके पीछे मेन रीज़न तो ये है सर कि जो फैसिलिटीज़ और जो सपोर्ट हमको प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके चलते मतलब उसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा आज परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे हमें NRI साइट टॉप्स, और जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो वहाँ के जो मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी है और जो हमारे मिनिस्टर मैम है यशोधरा जी सिंधिया मैम, वो जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो इतने सपोर्ट की वजह से हम लोग आज मेडल जीत रहे हैं, और आने वाली जनरेशन मतलब हमारे बाद जो भी एथलीट्स आएंगे और जो भी हमारे साथ अभी हैं वो ऐसे ही आगे और मेडल जीतेंगे सर। यहाँ पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना होता है, तो आपका प्रिपरेशन कैसा रहा था? सर दोनों ही फिज़िकल और मेंटली दोनों ही काफ़ी ज़रूरी है हेल्थ, क्योंकि जैसे मैं बताऊं तो अपना मेरे दो इवेंट है, 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर थ्री पोजिशन। तो 50 मीटर जैसे इनका वेपन वगैरह भी काफ़ी भारी रहता है, मैच भी ज़्यादा लंबा चलता है, देन मैच के बाद आपके फाइनल्स भी रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा फिज़िकली फ़िट तो रहना ही चाहिए, होना ही पड़ता है, और उसी के साथ साथ आपको मेंटली भी फ़िट रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप क्वालिफिकेशन में अच्छा परफॉर्म करके आए हो तो आपको उसी के माइंडसेट के साथ फिर फाइनल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी? अभी नेक्स्ट इवेंट इज एशियन चैम्पियनशिप कोरिया, और ओलंपिक्स तो वो अपना टारगेट है ही। तो मतलब गोल्ड का वो रहेगा? बिल्कुल सर रहेगा, और काफी मतलब इंडिया कैन एक्सपेक्ट गोल्ड फ्रॉम यू? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए। अब एथलीट से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो सब रखेंगे। फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। क्या आसिल असूर्य प्रताप सिंह, तखेते चारिटाक पदक लाभ करिबले सक्षम हैछे हंगजो एशियन गेम्स, और इयार लगत एटा कथा कब लागिब जे एबार जी आसलते एशियन गेम्स जी समय भारत पदकर तालिकात ऊपरले गई आछे तार समान्तरालभावे शूटिंगर टीमटोर जी आसलते प्रदर्शन सेया जथेष्ट गुरुत्वपूर्ण बुली विवेचित हैछे।